किरायेदार नशेड़ी सोनू कुमार व उसकी पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोनू थाना कमालगंज के ग्राम गदनपुर देवराजपुर निवासी राम लड़ैते का 35 वर्षीय पुत्र था। सोनू 30 वर्षीय पत्नी पुष्पा के साथ कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला हाथीखाना में गंगाराम के मकान में किराए पर रहता था। आज 10 बजे तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर गंगाराम ने दरवाजा खटखटाया। गेट न खुलने पर गंगाराम ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली के इंस्पेक्टर अपर पुलिस अधीक्षक एवं फील्ड यूनिट ने मौके पर जाकर जाँच पड़ताल की। कमरे में सोनू का शव फांसी पर लटका था जबकि पुष्पा फर्श पर मृत पड़ी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनू ने पत्नी को मार डाला और बाद में स्वयं फांसी लगाकर जान दे दी। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने मीडिया को बताया कि सोनू नशेड़ी था। नशा करने के कारण उसका आए दिन पत्नी से विवाद होता था। सोनू द्वारा नशे में विवाद के दौरान ही घटना प्रतीत होती है। विवाद के आपस में लड़ते थे, आपस की लड़ाई हो क्या बोले, बोलते थे हमें भगा देगा, कहता बाबा तुम अंदर जाओ, ये हमारा आपसी मामला हम निपट लेंगे। ये घटना कब की घटना? यही करीब यही अभी 11 बजे लगभग, बाबा भी अंदर कुंडी लगी थी, जब नहीं उठा तब आप उठवा लीजिए। नाम क्या है? सोनू। रहने वाला कहाँ का? सोनू है और इनकी वाइफ है पुष्पा। ये कमरे में मृत पड़े हुए हैं। इस बात की सूचना फतेहगढ़ कोतवाली को मिली तो पुलिस आ गई है, फिर यूनिट आ गई है। हम लोग इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन लोगों के सब यहाँ पर बराबर हुए हैं। जो अभी तक ज्ञात हुआ है बातचीत करने में, ये जो पति है ये शराब पीता था और इसको लेके आए दिन विवाद होता था, तो संभावना है कि उसी विवाद के क्रम में ये घटना हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।